हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे कॉलेज है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की डिटेल निकल के आई है, जिसकी डिटेल को वन बाय वन करके आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों ही कॉलेजेस में हिंदी सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। तो पहला जो कॉलेज है हंस राज कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है, यहाँ से परमानेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई है। इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो नोटिस बोर्ड पे आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। और ये रहा वेबसाइट, जहाँ से आप वेबसाइट पे पहुँच के पूरी डिटेल ले सकते हैं। गूगल पे टाइप करिएगा, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन मिलेगा, एडवर्टीजमेंट मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दोनों वन बाय वन करके हम कवर कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हंसराज कॉलेज से रिक्रूटमेंट निकल के आई है, किस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सीट है। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन नहीं करी हुई है, लेकिन बताया गया है विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर है उसमें ये 29 जून को पब्लिश किया गया था। तो उस डेट से लेकर आपने विद इन 2 वीक्स में आपने अप्लाई कर देना है। तो यानी कि आपने 13 जुलाई से पहले पहले हो सके तो आप अप्लाई कर दें। और यहाँ पे जो पे स्केल मिलने वाली है, एकेडमिक लेवल 10 मिलने वाली है पे स्केल, यहाँ मेंशन कर रखा है, देख सकते हैं। और ये रहा वेबसाइट हंसराज का। वेबसाइट पे जब आप पहुँचेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी पहुँच जाएंगे। और ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म फिलअप होता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सीट मेंशन कर रखी है 2-2, 3-3, 4-4 करके। और ये सारी परमानेंट पोस्ट हैं, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी 7वें नंबर पे है। और इसमें टोटल 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व में, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत, जूलॉजी। टोटल 25 परमानेंट सीट हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल रहेंगी, ये आप दूसरे नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री, प्लस यहाँ पे नेट क्वालिफाई, उसके बाद या फिर जिन्होंने 500 इन द वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि या फिर जिन्होंने 2009 या 16 के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एमफिल पीएचडी की डिग्री ले रखी है, वो भी नेट सेट स्लेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। जनरल नोट अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इट मीन्स परमानेंट पोस्ट है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कौन कौन से बाकी रिलैक्सेशन दे रखी हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, क्राइटेरिया फ्रॉम प्रोफोमा, जिसके थ्रू आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ये इसको आप भी देख लीजिएगा। शॉर्ट लिस्टेड के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दे ही रखा है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है यहाँ मेंशन कर रखा है इस नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी रहेगी 500 रुपये, जो कि अनरिजर्व के लिए है। और SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, इसी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो 10 पेज का ये नोटिफिकेशन है, यहीं कहीं आप देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये रहा असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद जो दूसरी रिक्रूटमेंट निकल के आई है, राजीव गांधी महाविद्यालय, जो कि जिंद में है, उचाना जिंद, हरियाणा से निकल के आई है रिक्रूटमेंट। इसकी वेबसाइट पे आप कैसे पहुँचेंगे, गूगल पे RGM राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना .com टाइप करेंगे, महाविद्यालय की इस यूनिवर्स कॉलेज की साइट पे पहुंच जाएंगे, महाविद्यालय की साइट पे। तो यहीं पे आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिला है, साथ ही एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिला, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकाल के आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, जिसमें इंग्लिश में 2 है, हिंदी में 1 है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, बॉटनी में 1 है, जूलॉजी में 1 है, मैथ्स में 1 है, ज्योग्राफी में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है। टोटल यहाँ पे फिक्स जो सैलरी बनने वाली है,
यहाँ पे 25,000 पर मंथ रहेगी, और विदिन 15 डेज में आपने इसको अप्लाई कर देना है। ये भी 30 जून के आसपास ये पब्लिश किया है, तो आपने वही 14 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। ये इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको फिलअप करना है। यूनिवर्सिटी की फेवर में आपने यहाँ पे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में? बांगर एजुकेशन सोसाइटी पेएबल उचाना के फेवर में आपने 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। ये पूरा एड्रेस दे रखा है विद्यालय का, राजीव गांधी महाविद्यालय, और वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं। तो इसको फिलअप करके आपने लगा देना है महाविद्यालय की एड्रेस पे। तो ये दो रिक्रूटमेंट थी। ये रहा मेरा चैनल हिंदी ज्ञान बोध, जिस पे मैं अपने चैनल पे हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की PhD गवर्नमेंट टीचर की जॉब अपडेट देती हूँ, जो स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती हैं, या वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, परमानेंट।